सो अगला सवाल हमारे सामने ये है कि मेरी एज 23 साल है, आई एम 23 ईयर्स ओल्ड, सो कैन आई अप्लाई फॉर CDS और OTA और इवन एयरफोर्स? दिस क्वेश्चन इज एप्लीकेबल टू दोज हु आर अपेयरिंग फॉर पैरामिलिट्री फोर्सेज एज वेल. द आंसर अगेन इज अ बिग येस. बिफोर 24, 24 साल होने से पहले आपको इंडियन मिलिट्री अकेडमी के अंदर होना चाहिए CDS एग्जाम देने के बाद. और अगर आपको ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी में सिलेक्शन होता है तो 25 साल से पहले आपको उसके अंदर एंटर करना चाहिए. तो अगर आप 23 साल के हैं तो आपके पास 1 और 2 साल रिस्पेक्टिवली है. अगर आप पैरामिलिट्री फोर्सेस यानी BSF, ITBP एक्सेट्रा में जाना चाहते हैं तो आपके पास एज लिमिट है 25. सो आई होप दिस थिंग इज क्लियर दैट इंडियन मिलिट्री अकेडमी में जाने के लिए 24 ईयर्स से पहले आपको एंटर करना होगा. ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी में जाने के लिए आपको 25 साल से पहले एंटर होना होगा. और CAPF यानी पैरामिलिट्री अकेडमीज में जाने के लिए आपको 25 साल से पहले एंटर होना पड़ेगा. नाउ यू कैन कैलकुलेट बैकवर्ड्स, आप रिवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं कि एग्ज़ाम देना, रिजल्ट आना और अकेडमी ज्वाइन करने के बीच में जो 9 महीने 1 साल का फासला होता है उससे पहले लास्ट एग्जाम की कौन सी डेट होनी चाहिए आपके लिए. यू कैन कैलकुलेट दिस और यू कैन ऑल्सो चेक इट ऑनलाइन अक्रॉस वेरियस फोरम्स. अगर आप इसको करेंगे तो मुझे लगता है आपको अच्छी क्लैरिटी मिल जाएगी और आपको कोई शक या शुबा नहीं रहेगा. थैंक यू.